आज जो है मैं आप लोगों की मुलाकात पहले अपने एक मित्र से करवाता हूँ। और राजू भारतीय जी को आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? राजू भारतीय जी को नहीं जानते, आप जानते हैं? कैसे जानते हैं? अच्छा, ऐसे जानते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सिंगर हैं और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत अच्छे, हम लोग रहे काफ़ी समय तक एक साथ रहे, बहुत अच्छे प्रभावी वक्ता हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़मीन से उठ के आते हैं, बहुत ज़मीन से, बहुत बेसिक से, और ईश्वर उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज के समय में बहुत लोगों से काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े हैं, लेकिन मेरा जुड़ाव उनका इस स्तर का नहीं है। हमारा जुड़ाव है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र रहे हैं काफ़ी समय तक, दिल्ली में हमने एक साथ काम किया है। आज के समय में एक बहुत बड़ा NGO चला रहे हैं, बहुत बड़े स्तर का, छोटा मोटा नहीं। और कितने प्लेटफॉर्म पे काम किए, कितना अवार्ड मिला, सब चीज़ें, वो अलग मुद्दा है कि आपका फेम क्या होता है, लेकिन बात है कि ग्राउंड रियलिटी से आप जुड़े हैं, ग्राउंड रियलिटी के लिए आपने काम किया। तो मैं भी उनको बुलाऊंगा, ठीक है, और एक बार जो है आप लोग उनसे मिलिए, 4-6 बातें आपको अपने जीवन की बताएंगे। ये लोग प्रेरणादायक लोग होते हैं, बहुत कम उम्र है, ठीक है, और इतनी अवधि में उन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है और आगे देने की मंशा रखते हैं। बात ये होती है कि मंशा रखते हैं, तो ऐसे विचारों के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलती है, खुद को भी, मैं भी बहुत एनर्जेटिक होता हूँ उनसे और बहुत। आइए सर, नमस्कार, ये हमारे मित्र हैं राजू भारतीय जी और सर हमारे अविनेश जी हैं, ये अविनेश सर हैं। अविनेश सर के बारे में, ये दिल्ली मुखर्जी नगर में हम लोग काफ़ी समय से जो है काम कर रहे थे, और राजू भारतीय जी भी, और इनके बारे में एक बात बताता हूँ, राजू जी के बारे में, ये IAS की तैयारी करने आए थे इसलिए ताकि IAS की तैयारी करने आए थे, और हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति थे, वहीं से मुलाकात हुई थी हमारी इनकी, एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब प्रॉपर्ली इनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि IAS की तैयारी इसलिए करना था ताकि समाज को कुछ दिया जा सके। IAS बनने के लिए नहीं आए थे, इसलिए आए थे ताकि मुझे इतनी नॉलेज मिल जाए, जाके मैं जब कभी लीडर बनूं या कुछ करूं, जनता के सामने जाऊं, तो मैं नॉलेज दूं, मैं इतिहास बताऊं उन्हें, भूगोल बताऊं। जब मैंने इनकी ये बात सुनी थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। नॉलेज के लेवल में देखो, इस उद्देश्य से आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हो कि आपको सोसाइटी को कुछ देना है तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो उस उद्देश्य से भी सर ने पढ़ाई की। तो मैं आप चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा, जो आपका वही अंदाज है, है ना, सर साहित्यकार हैं, कविताएं बड़ी बड़ी लिख चुके हैं, सारी चीज़ें हैं। अब इनके बारे में आप नेट में सर्च करिएगा, ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। लाखों के लोग सुनने आते हैं, लाखों की संख्या में लोग सुनने आते हैं, तो सौभाग्य है हमारा और हमारी संस्था का। मैं क्या बोलूँ, मैं तो तैयारी भी नहीं किया कुछ, आपने मुझे बताया नहीं, सरप्राइज दे दिया। बस ऐसे ही बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, 2 दिन से आप मुझे समय दे रहे हैं। हम लोग रात को आए थे यहाँ पे, पूरा देखा, पूरा अच्छे से। मैं कभी ऐसे बोला नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा नर्वस हूँ, मतलब मंचों पे, बहुत बड़े बड़े मंचों पे गाना गाया है, फिल्मों में भी मतलब गाना गाया है, काम भी किया है 2-3 फिल्मों में। हमारे यहाँ भोपाल में फिल्म बनती हैं, तो एक प्रकाश झा प्रोडक्शन है ना, प्रकाश झा, उसमें मैंने आरक्षण, जय गंगा जल 2, सत्यग्रह, चक्रव्यूह, ये मूवीज हमारे यहाँ बनी है, उसमें काम किया है। मतलब हमारा शौक़ तो है कुछ दूसरा, लेकिन पता नहीं कैसे फंस गए UPSC में। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा मैं, है ना, मुखर्जी नगर और दिल्ली आने का बहुत बड़ा एक रीज़न था, उसके लिए आए थे। खैर, मेरा परिचय ने साहित्य के रूप में रखा है, मेरा साहित्यकार हूँ मैं, छोटा मोटा लेखक हूँ, कवि हूँ, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए काम करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और लगभग 19 साल से जो भी मतलब सोसाइटी में बुरी चीज़ें हैं ना, उन्हें कैसे ख़त्म करना है, उस पर दिमाग लगाते हैं, उस पर पूरा एक क्लास बनाते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, एक पूरा लेक्चर बनाते हैं हम लोग। और उसमें अगर साहित्य की भाषा जुड़ जाए, जैसे कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, शायरी के माध्यम से अगर वो चीज़ जुड़ जाए, तो फिर वो कहना ही क्या, मतलब सोने पर सुहागा हो जाता है। मुझे आज भी याद है, आज मतलब पहली बार किसी क्लास में मुझे बोलने का मौका मिला है। मंचों पे तो बहुत सारा बोले हम लोग, किसी क्लास में पहली बार ऐसा बोलने का मौका मिला। बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, तो जो हमसे छोटे बच्चे हैं, हम उसमें जाते हैं स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर, हरियाली लाए सेवा समिति, एक हमारा एक NGO है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी हम काम करते हैं।
और गांव-गांव में जाके तो काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भारत का अच्छा निर्माण हो, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा के लिए काम करते हैं। रूढ़िवाद, पाखंड, जो चीज़ें मतलब हमें भारत को पीछे ले जा रही हैं, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को पीछे ले जा रही हैं, आपस का जो मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है देश में, उसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा हो। और शिक्षा के लिए इस देश में एक महापुरुष हुए हैं जिनने भारतीय संविधान के निर्माता भी उन्हें बोलते हैं, मेरे बहुत बड़े मतलब उनको मैं रियल हीरो मानता हूँ। कोई ना कोई होता है ना, अपना एक व्यक्ति होता है ना कोई कि जिसको आप एक आइकॉन मानते हैं अपना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको मैं बहुत समझा हूँ। तो एक शिक्षा पे लेकर उनने एक बात कही कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बात है ना, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 8वीं पास करने के बाद मैंने पढ़ाई करने का मन ही बदल दिया। बस एक मन था कि हीरो बनना है, सिंगर बनना है, फिल्मों में काम करना है, तो ये मेरा बचपन से था। लेकिन जब शिक्षा की ये बात मैंने सुनी तो मुझे अंदर से एक अच्छी फीलिंग आई कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर तुम शिक्षित नहीं हो तो तुम पशु से ज़्यादा कुछ नहीं हो। अगर आप शिक्षित नहीं हो तो एक जानवर में और आप में कोई अंतर नहीं है। जो एक जानवर कर रहा है ना, वही आप कर रहे हो। जानवर भी जन्म लेता है, पशु भी जन्म लेता है, आप भी जन्म लेते हैं, वो खाना खाता है, आप भी खाना खाते हैं, वो सोता है, आप भी सोते हो, अंत में वो रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, और अंत में हम लोग भी सेम कंडीशन वही है हमारी, तो हम लोग भी अंत में जो पशु कर रहा है वही। लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षित और साक्षर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसको समझा तो साक्षर और शिक्षित ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात का मैं समझा अंतर। आप शिक्षित बनेंगे तो आप दुनिया को समझेंगे, पूरी दुनिया को, भारत को नहीं, हर तरह के सब्जेक्ट को आप जानेंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान भी आपको होगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो शिक्षित होगा उसे। लेकिन जो साक्षर होगा वो एक बहुत अच्छा अधिकारी बन सकता है, नौकरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बगल में अगर उसका पड़ोसी भूखा है ना, तो वो साक्षर ही रहेगा, शिक्षित नहीं बन सकता। अगर वो शिक्षित होगा तो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं रहने देगा, उसके सामने कोई गलत काम होगा तो उस पर आवाज़ उठा सकता है अगर शिक्षित होगा तो। साक्षर होगा तो बहुत सारे लोग मेट्रो में भरे हुए हैं, अपना पढ़ते रहते हैं, बगल में कोई कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो समझता है कि मुझे इनमें चीज़ों में नहीं पढ़ना है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति की एक जिम्मेदारी अपने देश के प्रति, उसे निभाना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको अपने बारे में मैं बताऊँ, सबको अपने बारे में बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों से सीख ले के बहुत सारे लोग ऊपर आए हैं। मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, मेरे 7 भाई 3 बहन हमारे परिवार में थे। हमारे पिताजी मनहारी का काम करते थे, मनहारी समझते होंगे आप लोग, लेडीज़ का सामान बेचते हैं, उसमें नाक कान छेदने का एक वो होता है। तो हमारे पिताजी छोटे छोटे बच्चियों का, लड़कियों का नाक कान छेदते थे और मनहारी का काम करते थे। तो उसी में वो हमारे पिताजी हमारे गाँव में हमें जितना उनका क्षमता था उतना वो पढ़ाते थे। तो हमारे सभी भाइयों को 8वीं 9वीं 8वीं तक तो पढ़ाए, इसके बाद सब काम में लग जाते थे, मजदूरी में, गाँव में जो बंधुआ मजदूरी होती ना, मेरे गांव में ट्रक चलते हैं तो भूसे का काम बहुत होता था। तो उसके बाद जितने भी लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, 8वीं से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे पहली बार खुशी हुई कि मेरे गांव में लगभग हमारे यहाँ, मैं जिस जगह जन्म मेरा जन्म हुआ है, जिस सोसाइटी में, जहाँ जिस अपने कास्ट सिस्टम भी है देश में, क्या करें, अच्छा मैंने नहीं बनाया, भगवान ने भी नहीं बनाया, बोले जिसने बनाया वो, लेकिन है अपने देश में। तो उस मोहल्ले में जब मैं रहता था, जिस जगह में रहता था, जिस सोसाइटी में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे कोई भी आदमी भारत की आज़ादी में आज तक 12वीं पास नहीं हुआ, उस गांव में 10वीं पास नहीं हुआ, 12वीं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहला आदमी था कि मुझे ये इतिहास रचने का मौका मिला कि मैंने ओपन से 10वीं पास किया, इतिहास रचने का मौका मिला, मतलब ओपन से 10वीं पास करके मैंने ये इतिहास अपने नाम करवा लिया कि उस गाँव में मैं 10वीं पास पहला व्यक्ति था। उसके बाद फिर बहुत सारी मजबूरियां थी, सबका स्ट्रगल होता है। अच्छा, ये स्ट्रगल बताने का एक मतलब होता है, स्टूडेंट को बताना चाहिए। हम लोग जब मुखर्जी नगर में 7 में पढ़ते थे तो पहले तो यही क्लासें होती थी कि आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा विज़न आप बनाइए और अपनी पुरानी चीज़ों से सीख लीजिए। पास्ट से हमें सीख लेना है, प्रेजेंट में सीख लेना है, ताकि हम लोग आगे चल के कुछ कर सकें। तो हमें यही क्लासें पढ़ाई, कम से कम 2-3 दिन लगता है, 2-3 दिन तो यही क्लास पढ़ा। हम लोग सोचते थे IAS बनाने के लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, ये तो यही पढ़ा रहे हैं, अपना संघर्ष बता रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, अपना अपना आदमी आ रहा है, वो बता रहा है। तो संघर्ष दिखाने का ये मतलब है कि आपको
इतना बड़ा आदमी बनना है, इतना ऊंचा, इतना सोच आपकी इतनी बेहतरीन हो जाए, इतना डेवलप आप हो जाएं सोच के मामले में, कि आपको जो लक्ष्य है ना, बहुत बड़ा लक्ष्य भी आपको ऐसा लगे ये तो मैं हंसते हंसते कर सकता हूँ। एक सर ने कल एक कहानी सुनाई थी आज सुबह, वो कौन सी कहानी थी? हाँ, वो मुझे पहली बार मैंने सुना। तो अभी आईएएस बनने की राह पे चलने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते रहे, वो पढ़ते पढ़ते कब आईएएस बन जाएंगे उन्हें खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन चलते रहना है, डरना नहीं है, मंजिल पे पहुंचना है। एक मेरा शायरी बहुत फेमस हुआ है, मैं वो आप सब लोगों से मैं साझा करता हूँ और मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, कुछ आपको अच्छा सुना सकूँ। मैं साहित्यकार की भाषा में आपको बताता हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, मैं जहाँ पे उनका जिक्र करना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा। एक मेरी फ्रेंड थी, तो मेरी ये शायरी है ना, उनने अपने पास लिख के रखी थी ऐसे बेड पे, जहाँ पे वो रूम में रहती थी, उनने एक दीवार पे उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखा था। अभी वो कलेक्टर है, अभी वो डिप्टी कलेक्टर है, कहाँ है, कौन है, वो मैं नहीं बताऊँगा। तो वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करने वाली शायरी थी, मैं उसको पढ़ता हूँ। इस दुनिया में फ्री में कुछ मिलता नहीं है, इस दुनिया में फ्री में कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सब लोग कहते आए, हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम जो सांस भी लेते हैं ना दोस्तों, ये सांस भी हम एक लेते हैं ना सांस, तो पहले दूसरी सांस छोड़ना पड़ता है। और एक और मैं कहावत सिखाऊं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ भी उसे दूध पिलाने वाली, ये चीज़ें हम लोगों ने जब बचपन में सीखा, तो इसका ये मतलब है कि आप जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, जब तक आप अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। एक किसी शायर ने लिखा है कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। मतलब उस पर मैंने ये चीज़ें पहले सोची, तो उसके बेस पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो एक शायरी मैं पढ़ता हूँ, और उसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आप सब लोग इसको गौर फरमाइएगा, बहुत ज़बरदस्त शायरी है, उसमें इतने सारे शब्द छुपे हुए हैं। कहते हैं ना, बगैर योजना के प्लान के कोई चीज़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा, अधूरा ज्ञान जहर समान होता है, बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। आप बगैर प्लानिंग के कोई काम करेंगे, इस पे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है, हमारे संत ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, बोलते हैं ना एक। तो अगर बगैर विचारे कोई भी चीज़ बोलोगे या कोई काम करोगे तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आ सकता। तो उसी को मैंने ध्यान में रख के एक लिखा है एक शायरी कि बगैर योजना के बेस नहीं बनता, बगैर योजना के बेस नहीं बनता, अज्ञानी लोगों से कभी देश नहीं बनता, तपना पड़ता है दहकती भट्टी में, आसानी से कोई आईएएस नहीं बनता, आसानी से आईएएस नहीं बनता। मतलब कठिनाई होना ज़रूरी है, संघर्ष होना ज़रूरी है। जिसने वो कहते हैं ना, जिसने वो एक कहावत है कि जो ना जाने पीर पराई, जे के पाँव ना पड़ी बिवाई, वो का जाने पीर पराई, एक कहावत है। तो आप जब तक संघर्ष की परिभाषा नहीं समझोगे, स्ट्रगल की परिभाषा आप नहीं समझोगे, जब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन मज़ा नहीं आएगा बढ़ने में। मैं जिस व्यक्ति का मतलब जिनसे मैं आप आज दो दिन से इनके साथ में हूँ, मैं सब कुछ भूला पड़ा हूँ, घर द्वार मोबाइल मोबाइल सब कुछ, हम लोग बस दो दिन से साथ में हैं और दो दिन से यही चर्चा कर रहे हैं यार कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात में मेरे आँख में आँसू आ गए जब उनने कुछ चीज़ें ऐसी बताई। बहुत लोग हैं ऐसे संघर्ष करने वाले, हम लोग भी उसमें से हैं। मैंने इनको एक अपनी एक बात बताई कि जब स्कूल में जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था ना, तो हिम्मत नहीं हारना, कभी हिम्मत कभी हारना नहीं है। हमारी लाइफ में इतने सारे मोड़ आते हैं, इतने सारे मोड़ आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो एक बार पीछे पलट के उस आदमी को देखो जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो ऐसे कर करके पैसा मांग रहा है बेचारा, है जिसके दो पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, मतलब उसका जज्बा देखिए। आप स्टेशन पे जाएंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो ज़िंदगी से हारे नहीं हैं, और हमारे लोग सोचते हैं कि यार ये नहीं हुआ तो फिर क्या करें, तो बोले चलो कहीं से जाके कूद जाते हैं। ठीक है, आदमी अपनी लाइफ को ख़त्म करने का मतलब एक गलत रास्ता चुन लेता है। तो ये रास्ते हमारी लाइफ में भी बहुत सारे आए। सर का जो स्ट्रगल है रवि जी का, वो इतना ज़बरदस्त है कि मैं मतलब उसको सुना नहीं सकता।
और मेरा मेरा खुद का सुना सकता हूँ मैं खुद का सुना सकता हूँ, मैं खुद का एक बात बता रहा हूँ आपको कि आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम आते हैं, लेकिन आप कभी घबराइए मत। एक उसमें ऐड आता है कि डर के आगे जीत है, तो ये हम लोगों को टीवी में सुनने को मिला, लेकिन सच्चाई है कि जब हम मंजिल के आसपास होते हैं ना, तभी हमारे पास इतनी सारी परेशानियां आती हैं, इतनी परेशानियां आती, काश उस परेशानी में हम थोड़ा धैर्य रख के बैठ जाएं ना, थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा सा पेशन के साथ अपन देखें कि यार चलो हो रहा है, होने दो, आगे क्या होगा। अपना जो काम है उसको चलते रहना चाहिए, काम को रोकना नहीं है, जिसको आप कर रहे हो उसको काम को करते रहो, तो पता चलता है आसपास ही मंजिल है और मिल जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी मंजिल आसपास थी, सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी लाइफ में, और ऐसा कुछ हुआ 2016 के बाद कि मुझे गुजरात जाना पड़ा, मुझे गुजरात में प्रोग्राम मिलते थे तो मैं गुजरात गया। सॉरी, गुजराती में बताइए, गुजरात में कौन समझेगा, यहाँ पे गुजराती कोई होगा ही नहीं, सब समझ जाते, भावनाएं हैं, भारत की लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा गुजरात में गया तो मुझे सबसे पहले गुजरात में गुजराती से पाला पड़ा और प्रोग्राम दिया मुझे, मैं सिंगिंग के प्रोग्राम करता था, तो सोसाइटी वाले प्रोग्राम करता हूँ मैं, सोसाइटी वाले बोले तो सामाजिक प्रोग्राम करता हूँ, और सामाजिक में भी जन चेतना के प्रोग्राम करता हूँ। एक जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो जय भीम का नारा करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें भारत के संविधान निर्माता ने ये कहा है कि अगर शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसको लेके स्कूलों में मेरे प्रोग्राम होते थे, तो मुझे तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मिल गया, तो मैंने बहुत सारे गाने लिखे इस पर, बहुत सारी कविताएँ लिखी, मेरा पूरा टीम रहता था, उसको लेकर मैं गया वहाँ पर। तो इनको जो मानने वाले लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगर हम मंदिर जाएंगे तो हमें मांगना ही मांगना है, मतलब जहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई के धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, एक ने एक बात कही कि आप अगर अपने बच्चों को बचपन से अगर आप मंदिर में भेजोगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके आप देखिएगा उसको सिर्फ वो मांगने वाला बनने वाला, भिखारी बनने वाला, कुल मिला के आप मंदिर में जाओगे तो वो भिखारी ही बनने वाला है, लेकिन आप उसको स्कूल में ठीक से भेज दोगे तो वो अधिकारी बन के निकलेगा अगर ठीक से पढ़ेगा तो। तो ये बात कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई, तो वो लोग मेरा प्रोग्राम करवाते थे। तो गुजरात में गया तो मैंने पहला गाना गुजराती में ही गा दिया, गुजराती में मैंने गाना, उसमें सॉरी हिंदी में मैंने गाना गाया। अब हिंदी तो समझते ही हैं, पूरे देश में समझी जाती, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में गुजरात के लोगों ने थोड़ा समझा, फिर एक आदमी ने पर्ची लिख के दे दिया मुझे, बोले आप थोड़ा गुजराती गाइए ना। तो मैंने कहा यार मुझे गुजराती तो आती नहीं है, तो बोले कोशिश कीजिए, तो मैं एक गाना सुन रखा था वहाँ पे, एक गाना है उसको मैं सुन रखा था, फिर मैंने वो गाया एक गीत में, है मैं सुनाता हूँ ना, तो एक गाना मैंने वो गाया, तो पहले मैंने एक गाना गाया, एक गीत रखा, उसमें मैंने मोटिवेट किया लोगों को कि मिली आज़ादी अब नहीं है बंधन, तू डट कर पढ़ाई कर। मतलब एक भारत के जो हमारे महापुरुष हैं, वो कौन है महापुरुषों में, हम किसको ज़्यादा मानते हैं, अगर मान लीजिए इस देश के अंदर हम राष्ट्रपिता कहते हैं किसको, अगर हम लोग संविधान की बात आती है तो किसको मानते हैं, पढ़ाई लिखाई की। और अमरीका के राष्ट्रपति ओबामा थे उस समय, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय का 300 साल का इतिहास निकाला, तो कितनी गौरव की बात है कि हमारे देश के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फर्स्ट नंबर पे आए और उनका स्टैचू लगाया गया वहाँ, कहाँ पे, कोलंबिया विश्वविद्यालय, उस पर लिखा क्या है, गौरव की बात सुनिए, हमारे देश के लिए कितने गौरव की बात है कि पूरी दुनिया में ज्ञान का देवता कौन है, सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है, तो अपने भारत के, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो जब ये बातें जब सामने आई तो मैंने उस पर गीत लिखा है, तो हमें कैसा बनना है, जैसे कई लोग गाने लिखते हैं ना भारत में कि तुम्हें बड़े होकर गांधी जी बनना है, बोलते हैं ना तुम्हें बड़ों के भगत सिंह बनना है, क्रांति करना है, तो मैंने ये गाना लिखा कि मिली आजादी अब नहीं बंधन हो, मिली आजादी। एक हमारे यहाँ कविराज पाटिल हैं भोपाल में, मेरे गुरु हैं, तो उनके साथ जब मैं बैठता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनने एक मराठी गीत लिखा और मराठी गीत से मुझे आइडिया आया, तो हम लोगों ने मिलकर एक गाना बनाया,
और जो बच्चों को ज़्यादा प्रेरणा दे। तो ये गाना मेरा पहला वहाँ पे मैंने गाया, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। मिली आज़ादी अब नहीं बंधन डट कर पढ़ाई कर, मिली आज़ादी अब नहीं बंधन डट कर पढ़ाई कर, तुझे बनना है हो बेटा बनना है भीमराव अंबेडकर। पढ़ाई के मामले में कैसा बनना है आप, क्रांति के मामले में भगत सिंह बनिए, अहिंसा के मामले में आप गौतम बुद्ध बनिए, महावीर बनिए, गांधी बनिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में आप डॉक्टर अंबेडकर बनिए। 18-18 घंटे पढ़ाए, कितना आप सोचिए। उन 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 परिस्थितियों में जब इस देश के अंदर कास्टिज्म इतना ज़्यादा था कि स्कूल के बाहर पीछे बैठ के पढ़ना पड़ता था, तो यहाँ से हमें ये प्रेरणा लेना, तभी तो हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं सब लोग। और इतना बढ़िया अपना देश है, इतना अच्छा लोग हैं कि आपस में इतना भाईचारा बन गया है और एक दूसरे से हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं कुर्सी पे। मैं तो अपना बताऊँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, उस स्कूल में कभी भी किसी भी टीचर ने जो है ठीक से पढ़ाया ही नहीं। पहले से लेकर आज तक यही हुआ है लोगों में, अपने देश में। वो मानसिकता वाला बीमारी है, एक बीमारी होती है बहुत बड़ी, उसका कोई इलाज ही नहीं बनाया आज तक। पता नहीं कोई बनाएगा कि नहीं इसका इलाज, कोई तो होगा दुनिया में बनेगा इसका इलाज, कभी तो बनेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे सिस्टम ठीक हो रहा है अपने देश का, जब से जो है नई जनरेशन आई है जो गूगल पे देखती है, सोशल मीडिया पे समझती है, तो वो सब समझ रहे हैं कि मानवता से बड़ा, इंसान से बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो मैं ये गाना लिखा तो मुझे गुजराती में बोल दिया उन्होंने कि गुजराती में गाओ यार, हिंदी में तो ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ और सुनाने वाला हूँ, ये तो बीच में बात आ गई गुजरात की। तो मैं गुजरात चला गया था, तो गुजरात में मैंने जो है काम किया और वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। पूरा यूपीएससी का सिलेबस भूल गया मैं, सारी किताबें भूल गया, सारे के सारा अलमारी में रखा रहा जहाँ पे मैं किराए पे मुखर्जी नगर में रहता था, वो सारी रखी है मेरे पास नोट्स। मैंने कहा मेरा सारा का सारा नोट्स जो है मैं इधर ला के दूंगा, और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना जो पढ़े नहीं, जाके सिर्फ मेरी तरह आ गए और सारा इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो सारा चीज़ रखा हुआ है, तो मैं वो ला के दूंगा क्लास में। वहाँ से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और बस फिर तो एक ही चीज़ दिखने लगी, गुलाबी गुलाबी नोट, पैसा 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 पैसा, इधर 50,000 का प्रोग्राम, इधर 30,000 का, इधर 20,000 का। मैंने सेक्रेटरी रख लिया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक सेक्रेटरी रख लिया, मैंने कहा आप फ़ोन तू उठाएगा और कोई भी प्रोग्राम होंगे तो बताएगा डायरी में कहाँ कहाँ है। और बढ़िया एक गाड़ी मेंटेन कर लिया, दो तीन लड़के और दो तीन गाने वाले, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंटल वाले सब, हमारा पूरा हमने रूम ले लिया किराए से और मेरा धंधा चल बैठा कुल मिला के हैं, और बहुत अच्छा चल बैठा। तो मैंने बहुत अच्छा काम वहाँ पे जो है किया, लेकिन सोसाइटी ने बहुत प्यार दिया, गुजरात ने बहुत सम्मान दिया। एक मुझे प्रिंस ऑफ अम्बेडकर का अवार्ड मिला दिल्ली में, उससे पहले तालकटोरा स्टेडियम में दो अवार्ड मुझे नेशनल अवार्ड मिले, बौद्ध कला संस्कृति सम्मान के। एक ओबीसी का एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे सत्य शोधक समाज के नाम से, ज्योतिबा फूले का नाम आप सुने हैं, ज्योतिबा फूले ने बहुत बड़ी क्रांति की इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ाने में। 1848 में पहला स्कूल खुलवाया था उन्होंने, उसमें एक मुस्लिम महिला भी थी पहली शिक्षिका। जो महिलाएँ हैं ना अपने देश में, उसमें दो महिलाएँ थीं, एक सावित्री बाई, दूसरी फातिमा बहन शेख। तो ये दोनों का बहुत योगदान है इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ाने में। वहाँ से लेके जब शुरुआत हुआ भैया, पैसा 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 करते करते इतना पैसा कमाया कि उसे भी डिप्टी कलेक्टर बना दिया। और उसके बाद हमने सोचा बढ़िया प्लान करते हैं कुछ अच्छा आगे चल के, तो प्लान भी किया, कहीं फ्लैट देखने लगे, ज़मीन देखने लगे, गाड़ी देखना है, कहाँ रहेंगे कहाँ। और फिर मैंने सोचा अब तो पढ़ाई छोड़ना ही है, तो बोले आपके बस की तो नहीं, आप तो एक काम करो राजनीति करना और मैं आपका स्टूडियो खुलवाने का सपना पूरा करूँगी, और आप राजनीति करना मैं पढ़ती हूँ। तो उसने जॉब छोड़ दिया मेरे दोस्त ने और मतलब अब आप समझ जाइए। और आज कहानी कुछ और है, तीन बार मर के जिंदा हुआ हूँ और हौसला नहीं आ रहा। हमारे अनिवेश भाई हमारे भोपाल गए हैं, मेरे घर देखा है उनने, और लगातार 19 साल से अपने घर से बाहर हूँ, घर पे कभी नहीं रहता, 2 महीना 3 महीना 1 महीना मुश्किल से कभी,
माता जी का ज़्यादा फ़ोन आ जाता है। मैंने पूरा ज़िंदगी ताउम्र शादी ना करने का फैसला लेकर दबे कुचले समाज को शिक्षित बनाने के लिए, उसे संविधान समझाने के लिए, लोकतंत्र समझाने के लिए मैं पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूँ। इसीलिए मैं बाहर घूमता रहता हूँ। तो मैं यहाँ भी दिल्ली में आया हूँ तो दो तीन बड़े बड़े काम थे, कार्यक्रम थे, उसमें मैं आया था और दो दिन से मैंने सारा काम छोड़ के मैं सर के साथ हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें कुर्बानी देना चाहिए। अगर देश का निर्माण करना है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष काम के लिए कुर्बान है। मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान इसलिए कर रहा हूँ, मैं पूरा जीवन में काम करना चाहता हूँ सोसाइटी में, और हम लोगों को जितने भी अच्छे अच्छे आइडिया मिलते हैं, कविता मिलती है, गीत मिलते हैं, बनाते हैं, पूरा इस देश के अंदर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हमारा भाई है। जैसे परिवार में चार भाई होते हैं ना, जैसे मान लीजिए परिवार में चार भाई हैं तो तीन भाई बहुत संपन्न हो गए और एक कोई भाई हमारा छोटा है, उस पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उसे भी हमारा भाई है तो उसे हर तरह की सुविधा मिलना चाहिए और वो भी हमारे साथ में रह के भारत निर्माण में सहयोगी बने। इस देश का विकास अगर हो तो सभी भाइयों की योजनाएं, सभी भाइयों का त्याग उसमें होना चाहिए, सबका सहयोग उसमें होना चाहिए। तो उस समाज के लिए, उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, उनके बच्चों के लिए हमारे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूरा जीवन जो है उनको दे दिया है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे एक मकसद मिल गया काम करने का। तो साथियों, मैं इस तरह का काम मैं करता हूँ और मैं कुछ सुनाने आया था, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी बातें हो जाएंगी, फिर इशारा भी हो गया, अच्छा हुआ इशारा कर दिया, पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी रुकती है ना। एक शायरी मैं आपके बीच में पेश करता हूँ। देखो, ये तो रिलेशन का बात है, आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम इस उम्र में हैं, होगा ऐसा, सबके साथ होता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाएं, आप अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं। मैंने एक बात सीखी कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ गई, मैंने अपना लक्ष्य छोड़ दिया पढ़ने का, लेकिन उनने पढ़ने का लक्ष्य नहीं छोड़ा। आज वो डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, परिस्थितियाँ बनती हैं, मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा ये मोबाइल तो चेंज कर दूंगा, होता है ना, तो ऐसा ही मान लिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, चलता है ना। लेकिन आप लक्ष्य को बराबर रखिए। एक शायरी में पढ़ता हूँ हमेशा कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, थोड़ा मनोरंजन कर देता हूँ, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। बहुत डिवोट होते हैं, है ना। मुझे ज़्यादा समय दे दिया आपने, मैं क्या सुनाऊँ बताइए, मैं क्या सुनाऊँ बताइए। मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि आपको मैं कुछ सुनाऊँगा, मुझे तो ऐसा पता था कि एक बार इंट्रोडक्शन होगा और कभी मेरा मौका लगेगा तो कोई फंक्शन वंक्शन होगा जब कुछ चीज़ें मोटिवेट करने के लिए मैं पढ़ूंगा, मुझे इतना ही पता था। लेकिन आपने मुझे इधर खड़ा कर दिया, थोड़ा सा अंदर से घबराहट हुई हो रही है, और फिर मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, कुमार विश्वास की तरह पहुँच गया है कि कोई दीवाना कहता है, सुना ना। बहुत लोगों की कहानी है। एक बहुत बड़े शायर थे, शायद बच्चन साहब थे, उनका एक कविता है, हरिवंश राय जी का है शायद, ये शायद मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, वो है ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, उन्हीं का है वो कविता, ज़रूर आपके बीच में एक सुना देता हूँ मोटिवेशन के लिए। बाकी अपनी खुद की कविताओं के लिए मुझे मौका मिलता रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा सुनेंगे, कभी कभी बीच में मैं आऊँगा और मैं भी इधर ही आता रहता हूँ। बहुत अच्छी कविता है, मुझे बहुत पसंद है, वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। इतनी प्रेरणादायक कविता है कि अभी भारत में मुझे लगता है उससे अच्छी कोई कविता अभी तक बनी नहीं है, और बनी भी होगी तो वो जितना अच्छा ये लगता है उतना अच्छा कोई लगता नहीं है। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, ऐसा ही है ना। इसमें हम लोग सीधा सीधा कहेंगे, लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी, कोशिश करोगे तो कभी हार नहीं होगी। तो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे वे सौ बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर के चढ़ना, चढ़ के गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां नदी में गोताखोर लगाता है,
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के वे खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, और बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने वाले लोग हमारे साथ में हैं, इनने कभी हार नहीं माना। और एक बात है जो हम लोग हमेशा जिससे घबरा जाते हैं, असफलता। यार किसी ने नेगेटिव बात कह दी यार कि नहीं हुआ था, तो वहाँ पे तो ऐसा मन करता है यार तुमने ऐसा बोल क्यों दिया। अरे उसने तो बोल दिया, तुम एक्सेप्ट मत करो भाई, उसने बोल दिया, वो उस लायक था तो उसने बोल दिया, उसकी क्षमता नहीं है काम करने की इस फील्ड में। जब आने की क्षमता नहीं है तो आप मत आइए, आपको जो अच्छा लगता वो करिए। लेकिन ये कोई धर्मशाला नहीं है, UPSC कोई धर्मशाला नहीं है। मैं इस बात को बहुत अच्छे समझ पाया हूँ, मैं वो शेयर करता हूँ। UPSC कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मर्जी आ, जब आ गए, जब मर्जी आ, जब छोड़ दिए, जब मर्जी आ छोड़, कभी भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसे। आप सोच समझ के आइए, आप अपना लक्ष्य बना लो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। असफलता से घबराना नहीं है। इस कविता का एक लास्ट है कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना चाहिए हमें, चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, मुझे इधर आपने इधर खड़ा कर दिया और पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, और उस टॉपिक पे आपने मुझे रोक दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जज्बाती हो जाते नहीं तो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा तरक्की करिए। और आज़ाद एकेडमी का वास्तव में पूरे देश में एक बहुत अच्छा इतिहास रचने जा रहे हैं। अभी तक सिविल सेवा की दुनिया में रवि जी के, मतलब उनके, मैं वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनके मुँह पर कह रहा हूँ, लोग कहते हैं पीठ पाछे, बहुत लोग कहते हैं सामने, कोई नहीं कहता, मैं सामने बोल रहा हूँ आपके। एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया के वजह से, यूट्यूब की वजह से, आज जो संसाधन हमारे पास हैं उसकी वजह से इन्होंने इतना बेहतरीन काम कर दिया है कि अभी मेरे एक भतीजे हैं, उनको मैंने इनका पूरा मास्टर वीडियो भेजा, वो लड़का खुशी में मतलब इतना पागल हो गया, कह रहा भैया मैं बगैर पैसे लगा के, चाचा बगैर पैसे लगा के जो है मैं आपको निकाल के बताऊँगा। उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो उसने कहा मैं अब मुझे इतना बड़ा साधन मिल गया कि मुझे कुछ करने, इसमें सब कुछ तो है वीडियो में। तो वो दो दिन से वो वीडियो देख रहा है। तो जो मास्टर वीडियो का आपने प्लान निकाला है, जो सारे के सारे राज्यों को आप एक वीडियो में पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब आपको यार क्या माइंड है, गजब यार, इतना बेहतरीन, इतना ज़ोरदार कॉन्सेप्ट निकाला है आपने कि आप तो पढ़ ही रहे हैं साथ में, आपकी वजह से आप तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पता नहीं कितने हज़ारों बच्चों तक वो चीज़ पहुंच रही है। इतना आसान बना दिया यूट्यूब को कि मेरा मन कर रहा है बार बार फिर से स्टूडेंट बन जाऊँ। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि भले ही चाहे पेपर देना है या नहीं देना, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आज़ाद IAS एकेडमी जो अपना है, उसके लिए मैं पूरी संस्था के लिए, हमारी संस्था के लिए, हो मैं भी इसका सदस्य हूँ, हमारी संस्था के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। और जितने लोग आप इस सफ़र में चल रहे हैं, आप सुपर 30 ज़रूर देखना, आप देखेंगे नहीं, आप इतनी मेहनत करो कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं ना, मेरी मंगल कामना आप लोगों की है। और मेरी इच्छा है, मेरा ये सपना है कि आप लोग, मेरा भी सपना बना लिया, इनका सपना नहीं मेरे बना लिया, 3 दिन में इनके साथ रहूँ मेरा भी सपना बन गया। आप जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर, आप सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा लक्ष्य बना लो कि एक भी बच्चा ना रहे, सारे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। इतना लक्ष्य बना के, टीम बना के, बढ़िया भाईचारा बना के काम करिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने मुझे, टूटा फूटा शायर हूँ, आपने मुझे सुना, मैंने कुछ भी नहीं सुना पाया इसका, मैं थोड़ा सा गुजराती में शू बोलूँ छूँ गुजराती में क्या बोलूँ बताइए, गुजराती में केम छो ऑल ओवर, तो मजा में छूँ। अब ये चीज़ें ज़्यादा मिली। अब एक बार का मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ घटना। खाना खाने बैठे तो गुजराती में नमक को मिट्ठू बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिट्ठू, आइए ना, नमक को क्या बोलते हैं मिट्ठू। अब हम लोग खाना खाने गए, हमने बैठे तो उनने कहा भैया थोड़ा सा हमें नमक दे दो, नमक होता ना, तो मांगा तो नमक ही नहीं समझते। तो फिर मैंने सारे कहा, मैंने कहा वो
ये वो बच्चन की आवाज, बच्चन नहीं बोलते, अरे भैया ये वो ये नमक दीजिए ना थोड़ा सा। तो फिर मैंने स्टाइल में मतलब बोला, मैंने कहा यार बोलना भी है और काम का काम भी हो जाए, उनको बुरा भी ना लगे कि इनको पता चले कि ये तो कुछ भी नहीं समझते। तो मैंने बच्चन स्टाइल में बोला, अरे भैया वो ये अच्छा मिट्टू आपू। तो वो मिट्टू लेके आया, बोले मिट्टू आपू। तो हमारा बगल वाला आदमी है, बोले भाई साहब मिट्टू खाते हैं इधर के लोग, मिट्टू मतलब पोपट होता है, हमारे मिट्टू मतलब पैरेट को बोलते हैं ना मिट्टू। तो गुजरात में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कभी फंस जाओ ना तो खतरनाक नाम, भाफड़ा, खाकरा, तिकारी, भाकरी। अब भाकरी ऐसा लग रहा हो बहुत बड़ा खतरनाक नाम है। भाकरी एक उसकी रोटी होती है इतनी बड़ी, बहुत बढ़िया बनाते हैं, मक्के की होती है शायद वो। तो गुजरात में भी रह के बहुत अच्छा लगा। और गुजराती में मैं आपको क्या सुनाऊँ, मुझे इनने खड़ा कर दिया है। गुजराती में एक गाना है, दो लाइन सुना देता हूँ, है ना। हालांकि वो गाना ऐसा है कि इसको आप फॉलो मत करना, मतलब वहाँ का एक गाना है वो मुझे आता है इसलिए मैं सुना रहा हूँ, लेकिन उसको फॉलो मत करना। गाना है सुनने और सुनाने योग्य है ना। हाँ सुनने योग्य, मतलब वैसा नहीं है। अरे यार ऐसा नहीं है। गाना है कि हाथों में बिस्की छे ने आँखों में पानी, हाथों में बिस्की छे ने आँखों में पानी, बेबापा सनम तारी बहु मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दरअसल क्या होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं आपके जीवन में कि जब निराशा होती है, जब परेशान आप होते हो, तो ये लोग बैठते हैं और मिलकर। आपको देख के बहुत खुश हुआ। मतलब इतना प्राउड हो रहा है अपने आप में कि यार मुझे, मैंने कहा ना कल से आप मुझे वही दिख रहे हैं, वो मुखर्जी नगर की गली और वो और एक बैग, वो एक मेहनत करने वाला बच्चा। हाँ मरे, इधर वाइट कलर की शर्ट, इधर एक बैग और हम लोग, मतलब वो ये कि हाँ आप स्ट्रगल के सबसे मेहनत की गई है, वो मेहनत है, चीज़ें चल रही है। और अभिनेश जी हैं हमारे साथ में, और मैं सर आप ये मेरे मित्र हैं और एक सुलझे हुए व्यक्ति जो होते हैं, यही कि हमारे गाजियाबाद से हैं और ALS से लेके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सर ने काम किया, दृष्टि ALS जो भी आप समझते हैं, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं सब जगह सर ने काम किया और बहुत शानदार आदमी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्यक्ति बहुत शानदार हो, सुलझा हुआ, शांत, ये जितने ये बहुत मतलब गंभीर व्यक्ति हैं। गंभीरता मतलब समझ रहे हैं ना, एक समुद्र जितना गहरा होता है अंदर, कहते हैं आदमी के पास जब ज़्यादा होता है पेड़, जब कहते हैं कि पूरा फलों से भर जाता है तो आदमी उतना ज़्यादा झुक जाता है, वो है अभिनेश जी। तो मैं चाहता हूँ कि दो शब्द बच्चों के लिए कुछ अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं अपने बच्चों के लिए जो बताना चाहें। थैंक यू सर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आज़ाद सर का कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म गाजियाबाद ज़िले में दिया। मुझे इसकी जानकारी अभी दो दिन पहले ही मिली थी, भारती जी का कॉल आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे हमारे साथी हैं ALS से, उनका इंस्टीट्यूट है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपना कहीं जाना था वो कैंसिल किया, फिर शाम के टाइम इधर आया और जब मैंने इनका सारा कुछ देखा तो मतलब इतनी खुशी मिली कि हमारे यहाँ के आसपास के बच्चे इतने परेशान रहते थे इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अब बच्चे भटकेंगे नहीं, उन्हें वो चीज़ मिल गई है जो चाहिए थी। तो रियल में इनके लिए सैल्यूट बनता है जो इन्होंने काम किया है यहाँ पे। YouTube इतना मतलब इतना आसान कर दिया है इन्होंने इस काम को, मतलब कि एक वीडियो के माध्यम से कि बच्चा दूर दूर का, मतलब कि इससे इतना वो हो गया, मैं खुद इनसे इंस्पायर हुआ हूँ इस चीज़ से। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो देखो आपको प्लानिंग से ही काम करने होंगे, शेड्यूल बनाना होगा, 24 आवर्स सभी के लिए होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी है, IAS ऑफिसर भी है, DM, SDM सब वही होते हैं। तो हमें 24 घंटे में किस तरह से काम करना है डिपेंड हम पे करता है कि 24 घंटे में देखो कोई कुछ भी नहीं कर पाता, उसके लिए भी वही 24 घंटे होते हैं, और एक सर भी है उनके लिए भी 24 घंटे ही हैं, और एक जो जिले को संभाल रही है अभी हमारी रीतु महेश्वरी थी वो DM जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है। तो देखो टाइम सभी के लिए सेम होता है, 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हम पे, ठीक है। तो आप सभी देखो भारत का भविष्य है जो हमारे सामने बैठे हैं,
तो आप पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, नेगेटिव कभी सोचना ही नहीं है। जैसे कि हमारे भारती जी ने अभी बताया, कुछ लोग होते हैं जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं होती, बस उनके अंदर एक ही क्षमता होती है कि वो नेगेटिव एनवायरनमेंट मतलब ऐसा नेगेटिव कर देते हैं कि सामने वाला मतलब मनोबल उनको गिराने का काम करते हैं। तो आप सभी इतना पॉजिटिव रहिए अपने लिए कि मैं कुछ देश के लिए करूँगा, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, IPS बनना है, देश की सेवा करनी है, समाज में जितने भी मतलब कि नकारात्मक चीज़ें हैं उनको कैसे मुझे सुधार करना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप सही दिशा में चल ही रहे हैं। देखो आपका सही विज़न था, सही सोच थी, तभी तो आप यहाँ पे आज IAS कोचिंग सेंटर में बैठे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद सर, तो चलिए फिर, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभी आपकी क्लास। अगली बार होमवर्क करके होमवर्क तो है ही, इतना होमवर्क किया है मतलब जब होमवर्क ऐसे यही होमवर्क है। नहीं, हम लोग जब दिल्ली में थे वहाँ पे फंक्शन होता था अपने क्लास में, तो आपको याद है वो फंक्शन का लास्ट दिन? अच्छा, जो कल्चर प्रोग्राम हमने किया था उसमें वो वाला गाना थोड़ा सा होना चाहिए, उसमें मोल्ड कर दीजिए उसका नाम चाहिए उसको, थोड़ा सा दो शब्द सुनाता हूँ। ऐसे बनाते थे हम लोग, जितने टीचर थे ना सबका रिस्पेक्ट करते हुए बनाते थे कि ना कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से सीखता है। जी जी, आप किसी व्यक्ति से भी कुछ सीखे ना उसे अपना गुरु जरूर बनाइए, मतलब एक बार उसको सम्मान जरूर देना चाहिए। तो मुझे भी काम मिला था कि यार हमारे टीचर हैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं सभी के लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं एक गीत लिखा था, मैं दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। वो बहुत टॉप हुआ था, वो अगर उसका वीडियो मिलेगा तो मैं आपको दूंगा, उसे आप अपलोड कीजिएगा। तो उस पर मैंने गाना लिखा था कि मेरी कौम के युवाओ, सॉरी मेरे देश के युवाओ, मेरे देश के युवाओ, कुछ क्रांति तो लाओ, आए हो दिल्ली पढ़ने, पढ़ने में मन लगाओ। तो ये गाना था मेरा, तो ये गाना इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि उस गाने की वजह से मुझे बहुत सारे प्रोग्राम मिले मतलब बहुत सारे प्रोग्राम उस गाने की वजह से मिले। तो फिर मैं ऐसा सीख गया कि मुझे एक फिल्म में गाना गाने का मौका मिला। अभी एक दौड़ मूवी आ रही है, उस दौड़ मूवी में मेरा गाना आने वाला है, वो शेयर करता हूँ, और वो आप लोगों के लिए है। एक गाना है, एक दौड़ मूवी आ रही है, उसका मैंने तीन गाना लिखा है, तीनों गाना मेरा उस फिल्म में आने वाला है। तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, उसका एक पंक्ति सुनाता हूँ। तू पंख लगा अब हौसलों के, तू पंख लगा, तू पंख लगा अब हौसलों के, उड़ता जा रे, तू पंख लगा, तू पंख लगा अब हौसलों के, उड़ता जा रे, तेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं तू बढ़ता जा रे, तेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं तू बढ़ता जा रे, तू पंख लगा अब हौसलों के, उड़ता जा रे, तेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं तू बढ़ता जा रे। थैंक यू। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं अभी क्लास में, करूँगा। कोई गलती हो तो आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा, हम लोग पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो आए भाई मित्र हैं, तो बहुत खुशी हो रही थी, बोले चलो आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे साथियों से, क्योंकि आप सब लोग अभी प्रयास है हमारा, आगे चल के हम मिलके काम भी करेंगे। मेरा NGO का जो मैंने आपको बताया, आजाद फाउंडेशन सर संभालेंगे हमारा, मैं उससे काम करूंगा। NGO का एक NGO हमारा चलता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, भोपाल के लिए अभी हम लोगों ने शुरू किया है, हरियाली लांच सेवा समिति के नाम से एक संस्था है, और आप लोग भी कर सकते हैं ये काम इन्वायरमेंट के लिए। कोचिंग की तरफ से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप आज़ाद एकेडमी की तरफ से, आप जहां भी रहें, आप अपनी तरफ से, अगर किसी का नाम नहीं भी आ रहा तो आप अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी समझें, कोशिश करिए कि जितने भी लोग फल खाते हैं ना, तो फल खा के वो गुठलियों को कचरे में फेंक देते हैं, क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस फल को तुमने खाया है उसका जो गुठली है, उसका जो बीज है, उससे एक पेड़ बन सकता है। तो हम लोगों ने एक काम शुरू किया भोपाल में, सारे सार्वजनिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पे बीज बैंक के डोनेशन बॉक्स लगाए हैं, तो उसमें हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फल खाइए, लेकिन अपने घर में फलों के बीजों को, गुठलियों को धो के सुखा के उसको आप डोनेशन बॉक्स में डालिए। पता नहीं आपके एक छोटे से प्रयास से इस देश में जो आज समस्या चल रही है, पहले खुशबू फ्री में मिलती थी, आजकल वो शोरूम में, बड़े बड़े शोरूम में कांचों के पीछे जो है इतने बड़े डब्बे में आ गया है, तो जो खरीदना है उसका नाम भी पता नहीं मुझे, तो
आज लगाया था मैंने आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, हाँ परफ्यूम बोलते ना, तो खुशबू पहले फ्री में मिलती थी अलग अलग। तो आप सोचिए पर्यावरण को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित है, और हम लोग इस देश के नागरिक हैं, और ख़ास करके अगर छात्र हैं तो जो छात्रों का जो जीवन होता है स्टूडेंट का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। वो स्टूडेंट रहते हुए भी जन कल्याण के लिए इतने काम कर सकता है, और लोग करवाते हैं। आपने देखा होगा पेड़ लगाने के लिए लोग बच्चों को चुनते हैं, स्कूल के बच्चों को बस में। हम लोगों ने अभी 500 बच्चों को बिरला एक स्कूल है, एक संस्कार वैली स्कूल के नाम से है भोपाल में, हमने लगभग 2 करोड़ बीज इकट्ठा कर लिए इस तरह से। कितना? 2 करोड़। अब मैं चाहूँगा एक बार प्लीज़ आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, बेचारे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। लगभग 30 से 40 बच्चे काम कर रहे हैं, उनको हम सैलरी भी देते हैं अपनी तरफ से, हमारा NGO है, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ से जो फलों के बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे से गुठलियाँ बीन के लाते हैं, उसको धोते हैं, सुखाते हैं, और उसका हम लोग मिट्टी का शीर्ष बॉल बनाते हैं ना जिसका, तो ऐसा बना के उसको रखते हैं और उसको फिर सभी जगह लगाते हैं जंगलों में। और जंगलों में पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगलों में फलों के पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है कि सारा आदमी इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हो गया है, और जो जंगल में रहने वाला बेचारा पशु है, पक्षी है, उसे खाना भी नहीं मिलता। तो जंगल में अगर हम फलों के पेड़ लगाएंगे तो उन्हें भी भोजन मिलेगा, इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इसके लिए काम करते हैं। हरा भरा भोपाल करके एक मैं सॉन्ग भी बनाया हूँ, वो भी YouTube पे मैंने अपलोड किया है, सर को मैं भेजूंगा। उस तरह का भी मैं कुछ सॉन्ग बना रहा हूँ, मुझे इनने परसों आइडिया दिया सर ने। तो आज़ाद एकेडमी के नाम से एक जो NGO आपने बनाया है, उसके लिए मैं गाज़ियाबाद में काम करूँगा, चाहे मुझे 1 महीना रहना पड़ जाए, लेकिन उसका शुरुआत जरूर करेंगे हम लोग, जरूर काम करेंगे वेलफेयर के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मुझे माफ़ करना। चलिए तो फिर क्लास प्रारंभ करते हैं, है ना, शुरू करते हैं।